हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे वर्ड पावर मेड इजी किताब। ये किताब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और कई दशकों से ये हमारा वोकैबुलरी का निर्माण करती आई है। इसको हिंदी लर्नर्स, इंग्लिश लर्नर्स सब पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इस किताब में शब्दों को किस तरह तोड़कर पढ़ना है ये सिखाया गया है। आज इसका पहला वीडियो मैं आप तक लेकर आऊँगा, लेकिन इसमें लगभग 20 से ज़्यादा चैप्टर हैं जो मैं कवर करूँगा और सारे चैप्टर्स एक एक करके मैं लेकर आऊँगा। आज है इस किताब में जो पहला टॉपिक मैं कवर करूँगा वो है डॉक्टर्स, यानी हम डॉक्टर्स के बारे में बात कैसे करें। अब जो ये शब्द है डॉक्टर, देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है संज्ञा और एक होती है क्रिया। नाउन, नाउन यानी संज्ञा, किसी व्यक्ति की बात, किसी जगह की बात या किसी वस्तु, पर्सन, प्लेस या थिंग। तो डॉक्टर कोई पर्सन है यानी कि ये नाउन है, लेकिन इसको वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप डॉक्टर शब्द को वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज से छेड़छाड़ करना, किसी चीज को बदलना, किसी चीज में तब्दीली लाना या किसी चीज को फॉल्सिफाई करना। फॉल्सिफाई का मतलब यह है कि किसी सत्य को झूठ बना देना, डिसीव करना, धोखा देने की कोशिश करना, किसी चीज में परिवर्तन करके, उसको बोलते हैं डॉक्टर करना। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट्स कुड हैव बीन डॉक्टर्ड, यानी कि जो रिपोर्ट है किसी की, मान लो डेथ हो जाती है और पता चल जाता है कि मान लीजिए उसने कोई जहर खाया था, यानी उसने सुसाइड किया था। अब अगर हम ये कहना चाहें कि ये जो मृत्यु हुई ये नेचुरल थी, जहर खाने से नहीं हुई, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उस रिपोर्ट को डॉक्टर कर देगा। यानी अब डॉक्टर जो कर रहा है वो व्यक्ति है यानी वो नाउन है, और जो वो काम कर रहा है यानी उसको चेंज कर रहा है, यानी उसमें अमेंड कर रहा है, उसको ऑल्टर कर रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन कर रहा है, यानी वो उसे डॉक्टर कर रहा है। तो जब वो डॉक्टर हम बोलते हैं करना क्रिया, तो उसका मतलब है किसी चीज को तब्दील करना। तो डॉक्टर शब्द का वर्ब की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब हम इसमें बहुत तरह के डॉक्टर हैं हमारे आसपास जो हम देखते हैं, कोई हमारा गला ठीक करता है, कोई बुखार, कोई हमारी हड्डियों का डॉक्टर होता है। ये शब्द कहां से आए, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आज के इस वीडियो में। और जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो अगर मैं आपसे ये सब सवाल पूछूंगा तो इनके आंसर आप दे पाएंगे। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज करता है, फीमेल मेडिसिन, प्रेगनेंसी, स्किन डिसऑर्डर, आंखों के रोग, दिल के रोग, ब्रेन के रोग इत्यादि। और ये शब्द हैं, जैसे दो तरीके होते हैं वोकैबुलरी को पढ़ने के। एक होता है कि सीधा हम उसे याद कर लें, हम उसे कंठस्थ कर लें। जैसे अगर मान लीजिए कोई फीमेल का डॉक्टर है जो महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन ये तरीका उतना कारगर नहीं है। ज़्यादा कारगर तरीका ये है कि हमें ये पता चले कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये शब्द बना कहाँ से। अगर हम ऐसा कर पाएं तो फिर ये टेबल को याद करना ही नहीं पड़ेगा और ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा कि चमड़ी विशेषज्ञ यानी जो स्किन का डॉक्टर है हम उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हम ये पता कर पाएंगे कि जो डर्मा है, डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, यानी कि ऑफ कोर्स ये जो डॉक्टर है इसका संबंध स्किन से है। तो इसी तरह से जब हमारी प्रिपरेशन होगी वो इस तरह की होगी कि हम ना सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में बल्कि इनसे जुड़े हुए जो अतिरिक्त शब्द हैं उनको भी सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स, जो नॉर्मल ल्यूइस का मेथड है उसके द्वारा। पहला है इनसाइड यू, यानी आपके अंदर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक। अब अगर कोई आंतरिक चीज है तो उसके लिए वर्ड होता है इंटरनस, ये लैटिन वर्ड है। याद रखिए दो भाषाएं हैं, एक है लैटिन और एक है ग्रीक यानी यूनानी भाषा, और 60% से ज्यादा अंग्रेजी इन्हीं दो भाषाओं से बनी है। तो लैटिन में वर्ड होता है इंटरनस। इंटरनस का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ यानी आंतरिक। तो वो डॉक्टर जो इंटरनल डिजीजेस में स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं इंटरनिस्ट, इंटरनिस्ट। अब इंटरनिस्ट से वर्ड बना इंटर्न। इंटर्न मतलब होता है एक ऐसा स्टूडेंट या ट्रेनी जो अभी सीख रहा है, जो अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है। जैसे भारत में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर बनने के लिए डिग्री होती है MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। MBBS की डिग्री होती है 5.5 साल की। इसमें 4.5 साल जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है, अपनी थ्योरी मजबूत करता है, साथ साथ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिकल करता है, लेकिन जो 1 साल अतिरिक्त है वो इंटर्न करता है, यानी उसमें वो ट्रेनिंग लेता है और प्रॉपर एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर की तरह वो हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसे बोलते हैं इंटर्न। और इंटर्निस्ट मतलब हो गया कोई स्पेशलिस्ट। इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक। जैसे आपने वर्ड सुना होगा इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी यानी किसी देश की आंतरिक सुरक्षा।
तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इंटर्न वर्ड क्या होता है। अब इस शब्द को थोड़ा सा मैं और फैलाता हूं। देखिए इंटर्न कौन होगा, क्या ये बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है या ये कोई ऐसा बच्चा है जो अभी सीख रहा है, ये ऐसा बच्चा है जो सीख रहा है, तो जो सीख रहा है यानी समवन हु इज लर्निंग, यानी कि वो नया है, अभी ये उतना स्किल्ड नहीं हुआ है, उतना कौशल इसमें नहीं आया है, उतना कार्य कुशलता इसमें नहीं आई है, यानी ये नया है। नए के लिए हम बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में नया हो हम उसे बोलते हैं नोविस। नोविस मतलब नया, तो इंटर्न को आप नोविस भी बोल सकते हैं, उतना ज्यादा अभी काम में पुख्ता नहीं हुआ है, उतना अच्छा सीखा नहीं है, अभी सीख ही रहा है, यानी अभी ट्रेनिंग ले रहा है। जो व्यक्ति ट्रेनिंग के अंदर होता है उसे बोलते हैं ट्रेनी। तो आप इसे नोविस, ट्रेनी या इंटर्न एक ही बात है। अगर कोई नया है यानी बिगनर है, अभी शुरुआत ही की है, तो जो बिगनर है हम उसे बोलते हैं नियोफाइट। और जो वर्ड होता है नियो, नियो का मतलब ही होता है न्यू यानी नया, तो नियोफाइट मतलब अगेन जो ट्रेनी है या नोविस है। अब कोच है, तो ये जो सीख रहा है क्या मैं कह सकता हूं अभी ये कोचिंग ले रहा है, अभी उतना सक्षम नहीं हुआ है तो कोचिंग ले रहा है। कोचिंग किससे लेगा, कोचिंग देने वाले को बोलते हैं मेंटर। तो यानी कि इससे शब्द बनता है मेंटी। मेंटी मतलब जो सीख रहा है और मेंटर मतलब जो कोच है, जो सिखा रहा है, तो हम इसको ट्रेनी को मेंटी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, मान लीजिए कोई बैंक की तैयारी करना चाहता है तो वो पीओ की तैयारी करता है यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशन का मतलब होता है सीखना, ट्रेनिंग लेना, तो ये 2 साल सीखेगा फिर असिस्टेंट मैनेजर लग जाएगा, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं प्रोबेशनर। प्रोबेशनर मतलब अगेन ट्रेनी, जो ट्रेनिंग पर है, और इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग को प्रोबेशन। जो प्रोबेशन पर होता है वो होता है प्रोबेशनर। तो आपने देखा किस तरह से नए नए शब्द होते हैं ये। अब जो नया है उसके लिए एक शब्द और होता है टायरो। टायरो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, और स्टूडेंट जो सीख रहा है अभी, तो ये इसके लिए भी हम नियोफाइट, नोविस, ट्रेनी, प्रोबेशनर, मेंटी, ये सब, ये जितने भी शब्द हैं सारे यूज कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि इंटर्न कौन होता है। इंटर्न कौन होता है, अनस्किल्ड, जो अभी कार्यकुशल उतना नहीं है। हाँ, एक बार इंटर्नशिप खत्म अगर कर ली तो फिर वो कार्यकुशलता उसमें आ जाएगी। क्या आपने कभी एक शब्द सुना है अप्रेंटिस? कौन होता है अप्रेंटिस, अगेन जो सीख रहा है। तो क्या मैं इंटर्न को अप्रेंटिस बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। और ट्रेनिंग को मैं क्या बोलूंगा, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप यानी कि वो ट्रेनिंग ले रहा है। अब मैंने आपको यह बताया कि नियो मतलब क्या था, नया, न्यू। अब दो हमारे पाषाण युग आए, स्टोन एज जिसे कहते हैं, न्यू स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज। तो दो शब्द हैं नियोलिथिक और पेलियोलिथिक। जो शब्द है लिथो, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है यानी यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पत्थर, तो पाषाण या पत्थर। तो न्यू स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नियोलिथिक है कि पेलियोलिथिक है, तो क्या मार्क करोगे, नियोलिथिक। नियो मतलब नया और लिथिक वर्ड आया लिथो मतलब पत्थर से, तो नियो लिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। और नियो का बिल्कुल उल्टा शब्द होता है पेलियो। पेलियो मतलब पुराना, यानी ओल्ड स्टोन एज को क्या बोलेंगे, पेलियोलिथिक। पेलियो मतलब पुराना। तो अगर मैं बोलूं पेलियोन्टोलॉजी किसकी स्टडी है, पेलियोन्टोलॉजी किसकी स्टडी है, जीवाश्म की। जीवाश्म क्या होता है, इन अंग्रेजी में बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ की टूटी हुई पत्तियां या जानवरों की लाश समय के साथ क्या बन जाती है, पेट्रोल बन जाती है। तो यानी कि जो फॉसिल होते हैं वो बाद में हमारे कोयला या पेट्रोल या इस तरह की चीजें बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जीवाश्म। अब महिलाओं के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कोई महिला संबंधी अगर दिक्कत है, मान लीजिए कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है, कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो महिलाओं के स्पेसिफिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मासिक धर्म जिसे हम पीरियड बोलते हैं, तो अगर कोई महिला को इररेगुलर पीरियड है और वो डॉक्टर के पास जा रही है तो किसके पास जाएगी वो, देखते हैं कैसे ये शब्द बना। देखिए ग्रीक शब्द गाइन मतलब होता है वुमेन, राइट, गाइन मतलब क्या होता है, वुमेन। अब अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति मीजोगाइनिस्ट है, इसका क्या मतलब है, क्या वो महिला से, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखता है या महिलाओं से नफरत करता है, देखते हैं। अब इसमें गाइन मतलब तो समझ जाइए कि महिलाओं की बात हो रही है, और मिस वर्ड क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर आपकी अपने दोस्त से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो मिस नेगेटिव वर्ड है। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट मतलब ढंग से मैनेज नहीं किया हुआ काम, यानी मिस एक नेगेटिव वर्ड है। तो मीजोगाइनिस्ट कौन हो गया, महिलाओं के प्रति नफरत का भाव रखने वाला, जो महिलाओं से नफरत करे वो हो गया मीजोगाइनिस्ट। तो गाइन मतलब होता है महिला।
अब गायनेकोलॉजिस्ट कौन सा डॉक्टर होगा? ये वो डॉक्टर है जो महिलाओं में स्पेशलिस्ट है, महिलाओं के डिजीज को ट्रीट करने में स्पेशलिस्ट है, उसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। इससे मिलता जुलता शब्द है ऑब्स्टेट्रिशियन। ये शब्द कहां से आया देखते हैं। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। देखिए ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स को बोलते हैं प्रसूति, प्रसूति तंत्र, यानी कि चाइल्ड डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है उसमें जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ये शब्द कैसे बना? दो शब्द बने, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होता है? देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो साथ में कुछ औरतें जो मदद करती हैं पार्चुरेशन में, यानी कि वाइफ की मदद करती हैं, जो किसी की वाइफ अगर उसको बच्चा हो रहा है तो उसकी मदद करती हैं, तो उनको बोलते हैं मिडवाइफ। यानी कि कोई भी ऐसी लेडी जो किसी भी महिला की मदद करती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा, बच्चे को बाहर लाने में, बच्चे को साफ करने में, जब बच्चा पैदा होता है उस पूरे प्रोसेस में, उसको बोलते हैं मिडवाइफ। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ और ईशियन मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो किस चीज में एक्सपर्ट है? प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, बच्चे की डिलीवरी, जिसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सो ऑब्स्टेट्रिशियन वो डॉक्टर हो गया जो महिलाओं की प्रेगनेंसी में एक्सपर्ट है। लेकिन आज की तारीख में हम गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो डॉक्टर MBBS के बाद MD करती है गायनेकोलॉजी में, उसमें ऑब्स्टेट्रिक्स आ ही जाता है। तो ऐसा बहुत रेयर आप देखोगे कि कोई डॉक्टर सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट है और ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर डॉक्टर अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, अपनी डिग्री के आगे, स्पेशलिस्ट इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं आपको एक शब्द दूं, शब्द है पॉलीगाइनी, और इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो भी क्या आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गायनी शब्द आप समझ गए, गायन से बना, यानी कुछ फीमेल की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है, और पॉली मतलब क्या होता है, तो इससे मिलता जुलता शब्द पकड़ लीजिए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। जैसे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, या मान लीजिए मैं रोम्बस बनाऊं, या मैं पेंटागन बनाऊं, तो इनकी कई सारी भुजाएं हैं, ये सारे पॉलीगन है। पॉली मतलब होता है मल्टीपल, एक से ज्यादा। तो पॉलीगाइनी मतलब क्या होगा? वो व्यक्ति जो एक से ज्यादा महिलाओं को अपना पार्टनर रखेगा, या वो एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर सकता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीगाइनी। तो आई होप अब पॉलीगाइनी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह पॉलीएंड्री मतलब क्या होगा? पॉलीएंड्री, एंड्रो वर्ड बिल्कुल उल्टा है गाइन से, एंड्रो मतलब होता है मेल। तो अगर कोई महिला उसके एक से ज्यादा हस्बैंड है या एक से ज्यादा मेल पार्टनर है, तो वो उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीएंड्री, और पॉलीगाइनी मतलब एक से ज्यादा महिला पार्टनर रखना। तो जैसे द्रौपदी थी महाभारत में, तो वो कौन सी प्रैक्टिस करती थी, पॉलीगाइनी या पॉलीएंड्री? तो आंसर है पॉलीएंड्री। अब इस ये जो शब्द मैंने आपको बताया था ऑब्स्टेट्रिशियन, ये ऑब्स्टेट्रिक्स यानी मिडवाइफ, और एक तरह से नर्स बोल सकते हैं, आज की तारीख में मिडवाइफ वर्ड उतना हम यूज नहीं करते, तो अगर कहीं पे प्रेगनेंसी हो रही है, डिलीवरी हो रही है बच्चे की, तो नर्स मदद करती है। मिडवाइफ वर्ड नर्स लेकिन थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, नर्स सिर्फ यही काम नहीं करती, लेकिन मिडवाइफ जो वर्ड था ये काफी स्पेसिफिक था। अब ईशियन मतलब होता है एक्सपर्ट। अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिशियन मतलब जो बिजली में एक्सपर्ट है, म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है। अब चलिए आपके लिए एक सवाल, फिजिशियन का मतलब क्या है? क्या फिजिशियन का मतलब यह है कि वो फिजिक्स में एक्सपर्ट है? ट्रू और फॉल्स? तो यहां पे आप मात खा सकते हैं, क्योंकि फिजिशियन का मतलब होता है जो फिजियोलॉजी में एक्सपर्ट है। फिजियोलॉजी क्या होता है? ये फिजिशियन डॉक्टर को बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर फिजियोलॉजी में एक्सपर्ट होता है। फिजियोलॉजी होता है आपकी बॉडी में जो आपके ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरह काम करते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र वो कैसे काम करता है, उसको वो फिजियोलॉजी का हिस्सा है। आपकी किडनी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं बॉडी में, इनकी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो जो फिजियोलॉजी में एक्सपर्ट है वो हो गया एक तरह से फिजिशियन। जो फिजिक्स में एक्सपर्ट होता है उसे हम बोलते हैं फिजिसिस्ट। शब्दों में ध्यान से देखिए, फिजिशियन मतलब डॉक्टर। इनफैक्ट जो नॉर्मल डॉक्टर आप देखते हैं जैसे MBBS और MD जो लिखता है, तो वो MD में अपने आगे लिख देता है फिजिशियन। कहने का मतलब वो पूरी बॉडी को चेक कर सकता है। हालांकि वो पूरी बॉडी को हर चीज चेक कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट है। तो वो आपका लेकिन एक बेसिक लेवल सारी चेकिंग कर सकता है ऊपर से नीचे तक। आप उसको हार्ट भी दिखा सकते हैं, आप उसको अपना कोई दूसरे रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हुई तो फिर वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा। यानी पूरी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो एक्सपर्ट है वो हो गया फिजिशियन, और जो फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं उसमें एक्सपर्ट है वो हो गया फिजिसिस्ट।
PHYSICIST। तो याद रखिए, शब्द जो कई बार कुछ और कहानी कहते हैं और आंसर कुछ और होता है। चलिए, क्लिनिशियन मतलब क्या है? इशियन मतलब हो गया एक्सपर्ट, किसी भी चीज में माहिर। और तो जो क्लिनिक्स में माहिर है, क्लिनिक्स मतलब अगेन डॉक्टर के लिए वर्ड हम यूज करते हैं क्लिनिशियन, लेकिन थोड़ा सा फर्क है यहां पे। और वो फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है, आपने अक्सर सुना होगा कि जो भारत के डॉक्टर हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है उनकी अमेरिका में, यूएसए में या ब्रिटेन वगैरह में। वो क्यों? क्योंकि वो क्लिनिशियन ज्यादा अच्छे हैं बजाय टेक्नीशियन के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए भारत एक गरीब देश है, हमें इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही कहलाते हैं, हमारी इकोनॉमी चाहे कितनी भी ग्रो करे, हम अभी भी उतने वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। हम एक गरीब देश हैं, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग विकासशील देश हैं। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं उनको उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, उतना ज़्यादा अनुसंधान नहीं है यहाँ पर। यानी कि हमारा जो डॉक्टर है, मान लीजिए कोई गाँव में डॉक्टर बैठा है, तो उसे पेशेंट कोई चलकर आता है, तो वो पेशेंट की जाँच कैसे करेगा? वो अपनी शिक्षा, अपने इल्म पर डिपेंड करेगा। उसके पास अत्याधुनिक मशीनें नहीं होंगी जिनसे वो पेशेंट का डायग्नोसिस कर पाएगा। यानी कि वो पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा और पेशेंट की जांच खुद करेगा बजाय अत्याधुनिक औजारों के या अत्याधुनिक संसाधनों के। तो ऐसा डॉक्टर होता है क्लिनिशियन। विदेश में क्या होता है? विदेश में कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो पेशेंट को टच भी नहीं करते, इतनी सारी मशीनें हैं वही सारी चीजें बता देती हैं। तो भारत के जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को खुद अपनी शिक्षा से, अपने इल्म से, अपने हुनर से चेक करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे क्लिनिशियन हैं। और हमारे डॉक्टर जब बाहर जाते हैं तो उन्हें उतनी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब मशीन उन्हें मिल जाती हैं तो वो पहले से भी बेहतर हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले अच्छे क्लिनिशियन बने, फिर अपनी मशीनों पे निर्भर करें, बजाय इसके कि आप मशीनों पर निर्भर हो जाएं। अगर विदेशी डॉक्टर कोई भारत में आ जाएगा तो वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे आदत है अत्याधुनिक मशीनों की। दूसरा है टैक्टिशियन। तो टैक्टिशियन कौन होगा? ईशियन मतलब एक्सपर्ट, माहिर। तो जो टैक्टिक्स में माहिर है, टैक्टिक्स क्या होती है? रणनीति। तो टैक्टिशियन हो गया रणनीतिज्ञ, जैसे चाणक्य। चाणक्य को क्या बोल सकते हैं आप? टैक्टिशियन। अब अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति टैक्टलेस है, यानी कैसा है वो, क्या वो बेवकूफ है या वो बहुत ज्यादा माहिर है, बहुत चतुर है? टैक्टलेस मतलब लेस, लेस मतलब क्या होता है? कम। टैक्ट मतलब समझ गए आप, तो जिसको कोई रणनीति का ज्ञान ना हो वो है टैक्टलेस। और अगर मैं बोलूं टैक्टफुल, तो टैक्टफुल मतलब क्या हो गया? जो काफी अच्छी रणनीति कर सकता है। यानी टैक्टफुल एक तरह से टैक्टिशियन, आप इसको इंटरचेंजेबली भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है मॉर्टिशियन। क्या आप गैस कर सकते हैं मॉर्टिशियन का मतलब क्या होता है? देखिए, बड़ा आसान है। द वर्ड मोर या मोरी या मोर्ट, MORT, इन सब का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मोर मतलब मृत्यु, तो मोर्ट मतलब ही मृत्यु, तो मोर्टल। क्या आदमी मोर्टल है या इमोर्टल है? क्या आदमी शाश्वत है या नश्वर है? आदमी तो एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी मृत्यु निश्चित है, यानी वो मोर्टल है। इमोर्टल मतलब जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है। क्या कोई ऐसी चीज है दुनिया में जो इमोर्टल है? कुछ लोग कहते हैं भगवान इमोर्टल है, कुछ लोग कहते हैं सत्य यानी ट्रुथ इमोर्टल है। तो मोर्टल, मोर्ट मतलब डेथ। तो मोर्टिशियन कौन हो गया? जो डेथ में माहिर हो। डेथ में माहिर सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, तो मोर्टिशियन वर्ड हम यूज करते हैं खासकर पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहां जो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ताबूत के अंदर बॉडी को दफनाते हैं। तो ताबूत में जो व्यक्ति दफनाने में माहिर हो, फिर जो वहां पे खड़े होकर पूरा प्रोसेस देखता है, यानी कि जो फ्यूनरल कैरी आउट करता है, फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार तो जनरली हम हिंदू धर्म में वर्ड यूज करते हैं जब हम जला देते हैं बॉडी को, लेकिन ईसाई धर्म में हम बॉडी को ताबूत के अंदर दफना देते हैं। तो वो सारा जो प्रोसेस करता है वो करता है मॉर्टिशियन। डाइटिशियन कौन होगा? ईशियन मतलब एक्सपर्ट, डाइट मतलब आपकी खुराक। तो जो डॉक्टर जो खुराक में एक्सपर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायबिटीज हो जाए, अगर आपको मधुमेह हो जाए, तो फिर आप सब कुछ तो खा नहीं सकते, तो किसी डॉक्टर के पास जाके जरूर पूछेंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो किसके पास जाएंगे? डाइटिशियन के पास जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों के डॉक्टर की। बच्चे, मासूम भोले भाले बच्चे, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। ये शब्द कहाँ से आया? देखिए, जो यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा, उसमें पैडॉस मतलब होता है बच्चा, और आइट्रिया मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग मतलब ठीक होना, किसी चीज़ को भरना, जैसे घाव भरता है उसे हम बोलते हैं हीलिंग। मेडिकल हीलिंग मतलब अगर कोई रोग पहले से बेहतर होता है तो उसे बोलते हैं मेडिकल हीलिंग। तो और ईशियन मतलब आपको बताइए एक्सपर्ट, माहिर। तो पीडियाट्रिशियन में ये तीनों वर्ड हैं, इसमें पैडॉस भी है, इसमें आइट्रिया भी है, और इसमें ईशियन भी है। तो पेडियाट्रिशियन बोलते हैं बच्चों के डॉक्टर को, चाइल्ड प्लस मेडिकल हीलिंग प्लस एक्सपर्ट, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? पेडियाट्रिशियन। और पैडागॉजी, याद रखिए ये गॉजी है, गॉगी नहीं है,
कई लोग कहते हैं पेडागॉजी, गॉगी नहीं गॉजी, पेडागॉजी मतलब टीचिंग। ये शब्द कैसे बना? पेडॉस से बना पेडा यानी बच्चा, और गॉजी मतलब पढ़ाना, गॉजी मतलब ये शब्द बना एगोगॉस से यानी लीडिंग, यानी बच्चे को बड़ा करना एक तरह से, बच्चे को लीड करना, बच्चे को लीड करना मतलब बच्चे को दिशा दिखाना। तो पेडागॉजी में आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से जब आप किसी को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो क्या करते हैं आप, किसी छोटे को बड़ा करते हैं, यानी किसी को बच्चे को बड़ा करते हैं, उसे ज्ञानवान बनाते हैं, ज्ञानहीन को ज्ञानवान बनाते हैं। एक तरह से आप किसी ज्ञान में बच्चा जो है उसे ज्ञान में बड़ा कर रहे हैं, यानी एक तरह से उसे हम बोल सकते हैं पेडागॉजी। तो पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का डॉक्टर, और पेडागॉजी मतलब पढ़ाना। अब एक बात बताइए, जो पढ़ाएगा उसे क्या बोलेंगे? पेडागॉग। अब आप कहेंगे इसे तो बोलते हैं पेडागॉजी, तो इसे पेडागॉज क्यों नहीं? नहीं, इसे बोलते हैं पेडागॉग और इसे बोलते हैं पेडागॉजी। तो दोनों में फर्क है, अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है, इसमें इतने ज्यादा अपवाद हैं, इतने एक्सेप्शंस हैं, तो प्रोनंसिएशन में भी ये एरर्स रहते हैं, ये अलग अलग तरह से हम बोलते हैं। पेडागॉजी मतलब पढ़ाना और पेडागॉग मतलब टीचर, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक शब्द दूं डेमागॉग, डेमागॉग मतलब क्या होगा? ये डेमा शब्द कहां से आया? डेमा शब्द का मतलब होता है पीपल, क्लियर। और लीड कौन कर रहा है उन्हें? एगोगॉस, यानी उनको लीड कर रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है, उनको दिशा दिखा रहा है, लोगों को दिशा जो दिखाए वो है डेमागॉग। तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त क्या है? डेमागॉग, लोगों के लीडर हैं वो। और डेमा, डेमो, डेमोस, ये सब लोगों के लिए आता है। और क्रेसी मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट को बोलते हैं CRACY, क्रेसी। अगर मैं कहता हूं भारत एक डेमोक्रेसी है, मतलब लोगों की सरकार है, लोकतंत्र है, क्रेसी मतलब सरकार और डेमो मतलब लोग। तो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का चलन कौन करता है, किससे द्वारा होता है, कौन चलाता है डेमोक्रेसी को? डेमागॉग यानी लीडर। अब बात करते हैं त्वचा की, त्वचा, चर्म, जिसे कहते हैं चर्म रोग यानी स्किन डिजीज। तो डर्मा मतलब होता है स्किन, क्लियर, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, स्किन डीप। स्किन डीप मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी जो त्वचा है वो भी कई तरह की होती है। जैसे अगर आप मेडिकल साइंस जानते हैं तो आप जानते हैं कि कई लेयर होते हैं हमारी स्किन के। अगर ये ऊपरी खाल होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर नीचे कई और लेयर होते हैं। तो जो ऊपरी स्किन है इसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपी मतलब होता है ऊपर, किसी चीज के ऊपर, एपी। और नीचे वाली चीज को बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब होता है ग्रीक में नीचे, बिलो या बिनीथ। अब अगर मैं बोलता हूं कि कोई डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मा मतलब हो गया स्किन, तो ये किस चीज का डॉक्टर है? जो त्वचा के रोगों का, चर्म रोग विशेषज्ञ, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब अगर मैं बोलूं हाइपोडर्मिक क्या होगा? हाइपो मतलब होता है नीचे की तरफ, कम, हाइपो मतलब होता है कम या नीचे की तरफ, और हाइपर मतलब होता है ऊपर की तरफ। कई बार आपने अपने दोस्तों को बोलते हुए सुना होगा कि छोटी सी बात है उतना हाइपर मत हो, हाइपर मतलब अत्यधिक, ऊपर की तरफ मत हो, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित मत होइए, और हाइपो मतलब नीचे की तरफ। तो हाइपोडर्मिक मतलब क्या हो गया? डर्मा, डर्मिक मतलब स्किन, त्वचा। तो त्वचा के जो नीचे के लेयर हैं उन्हें हम बोलेंगे हाइपोडर्मिक, जो नीचे के लेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोडर्मिक नीडल, सुई, सुई हाइपोडर्मिक नीडल मतलब जो त्वचा के अंदर की तरफ जाए। अब ये अगर आपकी त्वचा है तो इसमें ये तो बिल्कुल आपकी स्किन हो गई जहां पर बाल हैं, तो अगर आप एक सुई घुसाते हैं तो वो कहां जा रही है? एपिडर्मिस को चीरते हुए फिर अंदर की तरफ जा रही है, यानी पहले एपिडर्मिस ऊपर का जो लेयर है उसमें, फिर नीचे हाइपोडर्मिस यानी जो नीचे का लेयर है। तो हाइपोडर्मिस मतलब त्वचा के अंदरूनी लेयर और एपिडर्मिस मतलब ऊपर का लेयर। अब हाइपोडर्मिस में जा रही है तो नीडल कैसी हो गई? हाइपोडर्मिक। अब मान लीजिए, देखिए जो नॉर्मल शुगर होती है खाने के बाद 140 से कम होनी चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो नॉर्मल आपकी पोस्ट प्रेंडियल शुगर बोलते हैं, जिसे जब आप खाना खाते हैं उसके बाद शुगर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपकी शुगर 400 आ रही है, आपका टेस्ट किया मैंने, ठीक है, आपकी शुगर आ गई 400, ठीक है, खाने के बाद, तो आप क्या हैं? क्या आप हाइपोग्लाइसीमिक हैं कि हाइपरग्लाइसीमिक हैं? तो ग्लाइसीमिया वर्ड कहां से बना? ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके जो ब्लड में घुल जाता है उसे ग्लाइसीमिया। तो क्या आप हाइपो हैं कि हाइपर हैं? आप तो बहुत ज्यादा हैं, आप तो मधुमेह के मरीज हैं, तो ये हो गया हाइपरग्लाइसीमिया और आप हो गए हाइपरग्लाइसीमिक। सो अब ये शब्द आप बता सकते हैं, एपिडर्मिस मतलब जो त्वचा का सबसे बाहर का जो लेयर होता है कोशिकाओं का, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। टैक्सीडर्मिस्ट कौन होता है? देखिए, अब इसका मान लीजिए आपको मतलब नहीं भी पता, तो चार ऑप्शन आपको दिए होंगे ABCD एग्जाम में, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टैक्सीडर्मिस, डर्मा देखते समझ जाइए, डर्मी मतलब कुछ ना कुछ त्वचा से रिलेटेड होगा। टैक्सीडर्मिस वो वैज्ञानिक होता है जो जानवरों की खाल उतार देता है
और फिर उसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें भर देता है। जैसे यहां पर इसको देखिए, ये जंतु है, इन्होंने इसकी खाल उतार के अंदर रुई वगैरह भर दी जिससे ये बिल्कुल ओरिजिनल लगे, बिल्कुल कहते हैं बेचने लायक। जब कोई आप चीज खरीदते हैं, कोई आर्टिकल होता है, कुछ ऐसे तत्व उसके अंदर डाले जाते हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो बिल्कुल जिससे वो बिल्कुल एकदम जिंदा लगे, जीवित लगे, तो उस साइंटिस्ट को बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। जो जानवरों की पहले खाल उतारता है, उनको माउंट करता है, उनके अंदर चीजें भरता है, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। पैकीडर्म, पैकी मतलब होता है थिक, मोटा, तो डर्म मतलब स्किन, मोटी चमड़ी वाले जानवरों को बोलते हैं पैकीडर्म। जैसे एलिफेंट, हाथी, राइनोसेरोस, गैंडा, ये जानवर कैसे हैं, ये पैकीडर्म यानी कि मोटी चमड़ी वाले जानवर हैं ये। अब किसी भी शब्द के आगे अगर लग जाए आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन, तो अगर मैं बोलता हूं डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब आपकी स्किन सूज गई, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, इरिटेशन हो गई, घाव हो गया, डर्मेटाइटिस। चलिए अगर मैं बोलता हूं लेट से वेस्कुलाइटिस, यानी आइटिस देख के समझ जाइए कहीं पे सूजन आ गई है, तो वेस्कुलर मतलब हमारे ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स, तो वेस्कुलाइटिस मतलब हमारे ब्लड वेसल सूज गए हैं। अगर मैं बोलता हूं आर्थराइटिस हो गया, यानी क्या हो गया आपको, आर्थ्रो मतलब होता है आपके जॉइंट्स, आपके जोड़, तो आर्थराइटिस मतलब आपके जोड़ों में सूजन हो गई, आपके घुटने में, आपकी एल्बो में, वो हो गया आर्थराइटिस। तो आइटिस किसी भी चीज के आगे लगाया जा सकता है। आपकी आंख का ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं कंजंक्टाइवा, तो आपके अगर आंखों में सूजन आ गई तो क्या हो गया, कंजंक्टिवाइटिस। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो आंखों की बात मैं कर ही रहा था और आंखें आ ही गई, तो आंखों का डॉक्टर देखिए, ऑप्थेल्मोस मतलब होता है आंख, लोगोस मतलब होता है साइंस और स्टडी, किसी चीज को पढ़ना, इसीलिए मैं जो भी चीज पढ़ता हूं लोगोस से बन जाता है लॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैं बायो पढ़ रहा हूं तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीवित चीजों के बारे में पढ़ रहा हूं, तो किसी भी चीज के आगे लॉजी मतलब उस चीज का अध्ययन करना। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होगा, डॉक्टर आंखों का, ऑप्थेल्मो मतलब आंख, लॉजी मतलब जिसने आंख की पढ़ाई करी है, इसको हम पहले ऑक्यूलिस्ट भी बोल देते थे, ऑक्यूलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और ऑक्यूलस बोलते हैं, लैटिन वर्ड है ये एक, इसका मतलब होता है आंख, और ग्रीक वर्ड ऑप्थेल्मोस मतलब होता है आंख, इसीलिए अगर हम ऑप्थेल्मोस बोल रहे हैं मतलब वो ग्रीक भाषा से आया है, अगर हम ऑक्यूलिस्ट बोल रहे हैं तो मतलब लैटिन भाषा से आया है, लेकिन दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्यूलिस्ट मतलब आंखों का डॉक्टर। अब अगर मैं बोलता हूं ऑक्यूलर, तो ऑक्यूलर मतलब ऑक्यूलस से आया है यानी आंख, कोई भी चीज जो आंख से रिलेटेड है उसे बोलेंगे ऑक्यूलर। अब अगर आप बोल रहे हैं बाइनोकुलर, बाइनोकुलर मतलब क्या, दूरबीन, बाई मतलब दो, बाई मतलब होता है दो, डी आई डाई मतलब भी होता है दो, तो बाई मतलब दो, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन। दूरबीन में क्या होता है, दो आंखें होती हैं एक तरह से, जो आप एक्सटेंड करके देखते हैं दूरबीन से, दूर की चीजें पास देखते हैं, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। और याद रखिए बाइनोकुलर्स जो वर्ड है इसमें एस हमेशा आएगा, अगर आप एक दूरबीन खरीद रहे हैं तो आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अगर आप सिर्फ बोलते हैं बाइनोकुलर्स मतलब बहुत सारी दूरबीनें, लेकिन अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स मतलब एक दूरबीन, लेकिन बाइनोकुलर कोई वर्ड नहीं होता, बाइनोकुलर्स ही होगा चाहे एक दूरबीन ही क्यों ना हो। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये वर्ड कहां से आया, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब जो आपकी नजर चेक करता है वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी नजर चेक करवाते हैं कि कहीं मुझे चश्मा तो नहीं लग गया, या फिर हो सकता है आप अपने चश्मे में नंबर कम ज्यादा करवाने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली डॉक्टर आपकी आंखें चेक नहीं करता, जनरली क्या होता है डॉक्टर उनके पास ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो पहले आपकी आंख चेक करता है, फिर आपकी पर्ची पे लिख देता है, और फिर आप अंदर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक यानी किसी भी चीज को नापना, और मैट्रिक से बना यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसे बोलते हैं मीटर, एक मीटर, दो मीटर, ये मैट्रिक से आया। तो मीटर किसकी इकाई होती है, किसी चीज को नापने की, लेंथ नापने की। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन कहां से आया, मेंसर करना मतलब किसी चीज को नापना, तो मेंसुरेशन हम ज्योमेट्री को भी कई बार कह देते हैं रफली, हालांकि दोनों शब्दों में फर्क है। जो शब्द है ज्योमेट्री, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जिसका किसी शेप से कोई रिश्ता होता है उसे बोलते हैं ज्योमेट्री, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन जनरली हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री जो है ये शेप्स का विज्ञान, एक तरह से ये वो शाखा है मैथ्स की जो शेप्स से रिलेटेड है, कि कोई शेप कैसी है, उसका क्या संबंध है शेप का, और मेंसुरेशन मतलब नापना, तो ज्योमेट्री में भी हम यही करते हैं, एंगल वगैरह नापते हैं, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड आया मेंश्योर यानी नापने से। अब अगर मैं बोलता हूं इमेंस, कोई चीज इमेंस है मतलब इतनी बड़ी है कि हम उसे नाप ही नहीं सकते, इमेंस, इम मतलब उल्टा। तो अगर मैं बोलता हूं कोई चीज चल सकती है यानी मोबाइल है, अगर मैं इम लगा दूं, इम मोबाइल मतलब रुकी हुई है, चल नहीं सकती, इम मोबाइल है, तो इम लगा देते हैं तो शब्द उल्टा हो जाता है, तो इमेंस मतलब मैं उसको नाप नहीं सकता, मेरे जीवन में आपका जो योगदान है इतना ज्यादा है कि इमेंस है, मैं नाप ही नहीं सकता,
यानी यू हैव इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई लाइफ। और ऑप्टिशियन मतलब होता है विजन एक्सपर्ट, ऑप्टिशियन भी बोल सकते हैं। तो ग्रीक भाषा में ऑप्सिस और ऑप्टिकॉस मतलब होता है विजन, यानी देखना। विजन मतलब क्या होता है, आपका विजन कितना है, तो मेरा विजन परफेक्ट है 6x6, यानी मेरी जो देखने की शक्ति है, जो देखने से रिलेटेड वर्ड होता है विजन। और मेट्रॉन मतलब होता है नापना यानी मेजरमेंट, इसके लिए मेट्रॉन भी कह सकते हैं, मेंसर भी कह सकते हैं, ये सारे शब्द बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और इन्हीं से बना मेट्रिक यानी नापना और मीटर यानी नापने की इकाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आपको यह आ सकता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब जो विजन में एक्सपर्ट है, विजन को मेजर करने में एक्सपर्ट है, और ऑप्टिशियन मतलब जो विजन में एक्सपर्ट है, तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए फर्क ये है, ऑप्टोमेट्रिस्ट इसमें मेट्रिक आ गया यानी नापना, ये विजन को नापने में एक्सपर्ट है। देखिए आप किसी डॉक्टर के पास गए आंखों के, पहले आपका जो विजन चेक करेगा कि आपका कितना नंबर हो सकता है, मान लीजिए उसने लिख दिया -4 है आपका नंबर, चश्मा लग गया आपको, ठीक है, सीधा ही -4 लग गया, तो आप फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर उसकी पुष्टि करेगा कि हाँ आपको चश्मा लग गया, फिर आप उसके बाद जाओगे ऑप्टिशियन के पास और चश्मा ऑप्टिशियन से खरीदोगे। यानी ऑप्टिशियन एक विजन एक्सपर्ट है और ये आपको जो सामान बेचेगा, जो ग्लासेस बेचेगा, जो स्पेक्टिकल्स बेचेगा, वो ऑप्टिशियन लेगा। आपको कॉन्टैक्ट लेंस लेना है, आप ऑप्टिशियन के पास जाइए। यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट एक तरह का कंपाउंडर आप कह सकते हैं, जो आंखों का डॉक्टर है उसका कंपाउंडर हो गया ऑप्टोमेट्रिस्ट, लेकिन ऑप्टिशियन हो गया जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करता है चश्मों का, लेंसेज का, जो भी आंखों से संबंधी उपकरण है उनका, वो हो गया ऑप्टिशियन। अब विजन मतलब क्या था, देखना, आपकी आंखों की देखने की दृष्टि, विजन, इससे शब्द बना विस्ता। अब एग्जाम में वर्ड आ जाए विस्ता, मतलब बहुत ही खूबसूरत नजारा, उसको बोलते हैं विस्ता। कई बार आप देखेंगे, मान लीजिए दो पेड़ लगे हैं और दो पेड़ इस तरह से लगे हैं कि उनके बीच में से कोई आपको दूर से कोई एक बहुत ही विहंगम दृश्य नजर आ रहा है, तो वो है विस्ता, बहुत ही खूबसूरत दृश्य नजारा, उसको बोलते हैं विस्ता। अगला शब्द है विसेज। विसेज मतलब होता है आपका चेहरा, आपका हुलिया, आप बाहर से दिख कैसे रहे हैं, वो है विसेज। अगर एग्जाम में आ जाए और आपको पता ना हो इसका क्या मतलब है, तो इसको विजन से रिलेट कर सकते हैं। विजन मतलब देखना, तो यानी कुछ देखने से रिलेटेड होगा। आपका बाहर से हुलिया कैसा है, बाहर से आपका चेहरा कैसा है, कैसे आप दिख रहे हैं आज, उसको बोलते हैं विसेज। चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। तो जो आंखों से रिलेटेड डिवाइसेस बेचता है वो कौन हो गया, ऑप्टिशियन। स्किन के बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, यानी जो त्वचा का सबसे बाहर का लेयर है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। मेडिकल ग्रेजुएट जो अपनी अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटर्न, क्योंकि ये ट्रेनिंग ले रहा है। बच्चों के रोगों को कौन सा डॉक्टर ट्रीट करता है, पीडियाट्रिशियन। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, ऑक्यूलिस्ट। इसके अलावा जो जानवरों की जो चमड़ी है उसमें उसे भरता है, उसके बीच में कुछ भी भरता है, नकली भरता है, वो हो गया टैक्सीडर्मिस्ट। तो ये आपको क्लियर है अभी तक, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेटनर यानी सीधा करने वाला, कोई टेढ़ी चीज को सीधा करने वाला, तो ये शब्द बना ऑर्थोस से। ग्रीक यूनानी भाषा की जड़ है ऑर्थोस, ऑर्थोस का मतलब होता है सीधा, या किसी भी टेढ़ी चीज को करेक्ट करना, ठीक करना, उसे अलाइनमेंट के अंदर लेके आना। तो ऑर्थोपेडिस्ट कौन होगा, ऑर्थोपेडिस्ट वो डॉक्टर होता है जो किसी भी चीज को सीधा करता है। सीधा किस चीज को करेगा, टूटी हड्डियों को, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को, तो वो हो गया ऑर्थोपेडिस्ट। ये वो फिजिशियन है जो आपके कंजेनिटल मतलब बचपन से, जब से आप पैदा हुए हो तब से कोई विकलांगता है, कोई अपंगता है किसी किस्म की, या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ द बोन, कोई बोन की फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है बोन की, उसे सर्जरी करके ठीक करेगा, या आपको प्लास्टर बांध के, कास्ट करके, या ब्रेसिंग करके, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। और इस मेडिकल साइंस की शाखा को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। अब मैं अगर पूछूं ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या है, देखिए डॉक्स शब्द बना डॉक्सा से, जिसका मतलब होता है सोचना, आपके विचार, आपका ओपिनियन, और ऑर्थो मतलब सीधा, आपका सीधा ओपिनियन है, जो सबका ओपिनियन है वही आपका ओपिनियन है, यानी आप थोड़े से पुराने ख्याल के हैं, बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप पसंद नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स आपके विचार हैं, थोड़े से पुराने हैं, कन्वेंशनल हैं, जो चले आ रहे हैं सीधे सीधे वही हैं आपके, कन्वेंशनल विचार हैं आपके, यानी ऑर्थोडॉक्स विचार हैं आपके। और आधुनिक क्या हो गया, मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, कंटेम्पररी, ये सब शब्द हम यूज कर सकते हैं। ओडोंटोस, ओडोंटोस मतलब होता है दांत,
तो अब डेंटिस्ट वो डॉक्टर होता है जो दांतों का डॉक्टर होता है, और ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या, ऑर्थो मतलब सीधा, तो टेढ़े मेढ़े दांतों को जो डॉक्टर सीधा कर दे, यानी डेंटिस्ट एक तरह का होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो आपने देखा होगा डॉक्टर होता है जो आपके दांतों में तारे लगाता है इस तरह से टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए, वो शाखा हो गई ऑर्थोडोंटिस्ट। दिल की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, यूनानी शब्द है कार्डिया, यूनानी जड़, इसका मतलब होता है हार्ट, कार्डिया। तो कार्डिया और लॉगोस मतलब पता ही है, किसी चीज को पढ़ना या किसी चीज का विज्ञान। तो कार्डियो, कार्डिया से बना कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो दिल के रोग ठीक करता है, दिल में कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने में माहिर है, वो है कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजी क्या हो गया, कार्डियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा, मेडिसिन की वो शाखा जो डील करती है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द हार्ट में। तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा कार्डियोलॉजी। कार्डियक मतलब कुछ भी हार्ट से संबंधी, कार्डियक। अगर मान लीजिए आपका हार्ट फेल हो जाए तो क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो गया आपको, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट फेल। अरेस्ट मतलब कोई चीज जब चलती चलती बंद हो जाती है, मतलब अरेस्ट हो जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल चलता चलता बंद हो गया, हार्ट फेल हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियोग्राम क्या होता है, कार्डियोग्राम वो नक्शा होता है जो आपके हार्ट के बारे में सब कुछ बताता है, यानी कि कार्डियोग्राफ जब आप करवाते हैं तो निकलता है कार्डियोग्राम। ग्राफ मतलब, कार्डियोग्राफ मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके हार्ट की जो मसल है उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, और कार्डियोग्राम मतलब जो ये पर्ची बाहर निकल के आती है, ये है कार्डियोग्राम। अब बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, दिमाग की, दिमाग से रिलेटेड। न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, ग्रीक के अंदर न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, यानी कि आपकी नसें, और लोगोस मतलब विज्ञान या किसी चीज को पढ़ना। तो न्यूरॉन यानी जो न्यूरोलॉजिस्ट कौन होगा, जो आपके नर्वस सिस्टम को पढ़ेगा, आपका दिमाग, आपका स्पाइनल कॉर्ड कितना अच्छा काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, और इस शाखा को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में, एक साइकेट्री में और एक न्यूरोलॉजी में, तो मैं दोनों में फर्क बताऊंगा। पहले आगे बढ़ते हैं, एल्गो मतलब होता है पेन, एल्गोस से बना पेन यानी दर्द। तो न्यूरेल्जिया क्या हो गया, नसों का दर्द, नर्व का पेन। जैसे आपने एक रोग सुना होगा ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया, ट्राइजमाइनल एक नस होती है जो हमारे फेस पर भी आती है, तो उसमें बहुत भारी दर्द होता है ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया का, ये भी एक रोग है। और न्यूराइटिस, आइटिस किसी चीज के आगे लगा दो मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन, तो अगर आपकी नसें सूज गई तो मतलब हो गया न्यूराइटिस। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं मैं एक दवाई ले रहा हूं और वो दवाई है एनल्जेसिक, इसका क्या मतलब है, एन मतलब किसी चीज के आगे लगा दें तो मतलब उल्टा, और एन ए एन यानी उस चीज से रहित। फॉर एग्जाम्पल एरोबिक मतलब क्या होता है, ए ई आर ओ बी आई सी, जहां पे हवा काफी होती है मतलब एरोबिक, और अगर लगा दूं एनारोबिक मतलब वो चीज उसका उल्टा, यानी जहां पे बिल्कुल हवा ना हो वो है एनारोबिक। ठीक है, तो एनल्जेसिक मतलब एन प्लस एल्जेसिक, एल्जेसिक शब्द बना एल्गोस से, यानी दर्द निवारक दवाई। तो अगर मैं मान लीजिए डिक्लोफेनाक खा रहा हूं, तो यानी कि मैं कौन सी दवाई खा रहा हूं, एनल्जेसिक खा रहा हूं, एनल्जेसिक मतलब जो पेन को खत्म करे, एनल्जेसिक। माइंड की बात करते हैं, हमारा दिमाग। अब माइंड मतलब एक वर्ड होता है ग्रीक में साइकी, साइकी मतलब होता है हम क्या सोच रहे हैं, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, हमारे अंतर विचार, आत्म मंथन, आत्म चिंतन, उसको बोलते हैं स्पिरिट, सोल या माइंड। साइकोसिस मतलब जब हमारा दिमाग एबनॉर्मल कंडीशन में हो उसे बोलते हैं साइकोसिस, जब हमें जो यथार्थ है उसका ज्ञान ना हो, हम बैठे हैं हमें लगे कि हम गिरने वाले हैं, हम कहाँ आ गए, हम ड्रीम में हैं, हम मतलब रियलिटी से बहुत दूर हैं, यानी साइकोसिस। तो साइकोसिस जिसको हो जाए वो हो गया साइकोटिक। तो साइकोटिक वो पर्सन है, मान लीजिए अगर आपको भूत दिखाई दे रहे हैं, सब जानते हैं भूत नहीं होते, आपको भूत दिखाई दे रहे हैं मतलब आप साइकोटिक हो। डिल्यूजन हो रहा है, डिल्यूजन मतलब कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही है जो है ही नहीं, हल्लुसिनेशन हो रहा है, हल्लुसिनेशन यानी अगेन कुछ ऐसा दिखना जो वहां नहीं हो, रियलिटी आपकी ऑल्टर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं साइकोटिक स्टेट ऑफ माइंड। तो कोई भी ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें रियलिटी लॉस हो जाए वो है साइकोटिक। और आइट्रिया मैंने बताया था मेडिकल हीलिंग, कोई चीज जब ठीक होती है तो उसे बोलते हैं मेडिकल हीलिंग यानी आइट्रिया। तो साइकी आपकी हील हो गई, यानी साइकेट्रिस्ट कौन होगा, ये वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो आपकी मेंटल इलनेस को ट्रीट करेगा। अब आप ये पूछेंगे जो दिमाग का डॉक्टर है, हमने बोला था न्यूरोलॉजिस्ट है, तो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क होता है। देखिए न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके जो टेक्निकल ब्रेन है उसको काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर में माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि दिमाग का डॉक्टर ये है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द हो रहा है, माइग्रेन का दर्द जो होता है ये काफी तेज दर्द होता है, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका आपकी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया है, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई
साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, यानी इमोशनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो किसके पास जाओगे? क्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे? आपकी बॉडी में सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अगर आप मान लीजिए आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो लेकिन आपकी शरीर में सारे ऑर्गन ढंग से काम कर रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे। यानी साइकेट्रिस्ट जो है ये आपके किसी तरह के जो इमोशनल प्रॉब्लम है उनको ट्रीट करता है, साइकेट्रिस्ट मेंटल इलनेस को ट्रीट करता है, लेकिन अगर ब्रेन का फंक्शन है कोई, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप जाओगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ये था पहला वीडियो वर्ल्ड पावर मेडिजी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। इसके मैंने सारे वीडियो लगभग तैयार रखे हुए हैं, जैसे ही ये वीडियो 5 लाख व्यूज क्रॉस करेगा मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। अब ये 5 लाख एक दिन में भी क्रॉस कर सकता है अगर आप ढंग से शेयर करें, या कुछ महीने भी लग सकते हैं, यानी फुल रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे ही इस वीडियो के 5 लाख व्यूज होंगे अगला पार्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध होगा। अब आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप मुझे बताइए कि डेमागॉग मतलब क्या होता है, कमेंट्स में लिख के बताइए डेमागॉग मतलब क्या होता है। यह था पहला वीडियो वर्ल्ड पावर मेड इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।